निन्यानवे, सौ, एक सौ एक, एक सौ दो, एक सौ तीन, एक सौ चार, एक सौ पांच. Few moments later. 200, 201, 202, 204, 205, 300. ये नहीं गिनती है. चल चल चल. बस हो गया, आप नहीं करो. ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे. नहीं नहीं ऐसे. इधर आ कर. ये रह गया, तू शिकना रह गई. ऐसे. बस मम्मी बोल दो, ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अब इनको नाश्ता नहीं मिलेगा एक्सरसाइज करने से पहले. मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, नहीं जब कूदेगा रस्सी फानेगा तब तक इसको नाश्ता नहीं देंगे. बहुत आलस करता है. अभी बज रहा 6:30, यानी नहीं करेगा तब तब तक नाश्ता मिलेगा. खूब जोर जोर से. बस हो गया. नहीं और ऐसे चल. रिचा भी साथ में करेगी थोड़ा सा. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. इसको भी कराएंगे, दोनों को कराएंगे. आप करो साथ में. चलो. आ है तो अच्छा सा कर रही रिचा. हाँ मुझे आती है, बस मैं करती हूँ. हाँ. अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा हंसी करेगा सबके. कोई बात, सूट भी है, मैं तो साड़ी पर कर लेती हूँ. चलो अब तीनों तीनों करेंगे, तीनों लगा. गाइस अभी हम लोग ऊपर काम कर रहे थे तो मम्मी हमारे लिए ये लेके आ गई हैं. बहुत पसंद है हमें तो, और मम्मी को भी बहुत पसंद है. रिचा थोड़ा कम खाती है, मैं तो बहुत खाता हूँ. नहीं कैल कर लीजिए, हर मौसम में हर फल हर चीज़ खाना चाहिए. हिंदी में कहावत लिखे है ना, बहुत पढ़ के अच्छा लगे मेरे प्यारे प्यारे. बहुत बहुत भगवान की तरफ, बहुत बहुत आशीर्वाद प्यारे प्यारे बच्चे को. गाइस हमने ये छोटा सा पौधा भी लिया था चांदनी का, रखना चाहिए घर में, बहुत शुभ होता है. देखो कितना क्यूट है यार, इस पे फूल भी आ गए हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है. सी कितने प्यारे है ना, सो प्रिटी. सो गाइस ये देखो कितनी मस्त यहाँ पर बारिश हो रही है. और आपको पता है बारिश होती है तो लोग क्या करते हैं, चाय पकौड़े चिप्स. तो हम लोग का प्लान वही है, हमारी पिकनिक चल रही है यहाँ पर. यहाँ पर रेडी है मम्मी. हाँ मम्मी बारिश में नहाने गई थी, छत पे सारी गीली हो चुकी है. और रिचा भी रेडी है खाने के लिए. और मस्त देखो यहाँ पर क्या क्या बनाया हमने. ये साबुदाने, ये चिप्स चिप्स आलू के, और ये क्या है, पापड़ होता है. पापड़ भी है ये, किस नया. हाँ, और आप बताना आप लोग के यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, मेरे को तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या. चावल का पापड़ बोलते हैं, चावल का पापड़. चावल का पापड़ है ये. चावल का ये और है, ये साबुदाने का पापड़ है. इसके तो इतने नाम आए हैं कि पूछो ही मत. और ये तो वर्ल्ड फेमस हो चुका है हमारे ब्लॉग में, बहुत सारे नाम आ चुके हैं. चिप्स, फुलकड़ी, बहुत सारी चीजें. ओहो देखो देखो कितनी अच्छी हवा आ रही है. काश हवा को भी फील कर पाते ना ब्लॉग में. हाँ. क्या मजा ही आता. कैसा है वहाँ ये तो बहुत मस्त लग रहा है. खाओ खाओ. हाँ. ये तो देखो इसकी चटनी सारा लगा. जाओ इसी मौका मिला इसको आपको नहाने का, बारिश में नहा लो जाओ. वैसे आप तो नहीं आते हो, आप ऐसे तो नहाते नहीं. आप नहीं नहाते, सबको पता है कौन नहीं नहाता है. ठीक है, मम्मी वाला नहीं नहाता. मम्मी 5 बजे ना, 7:30 बजे.
आपका कोई कोई वो नहीं क्या बाहर साढ़े पाँच छः मानसून आ चुका है। आप बताओ आप मानसून को कैसे इन्जॉय कर रहे हो? हम तो इसी तरीके से चाय पी रहे हैं और ये चिप्स खा रहे हैं और ये सब चीज़ें फन कर रहे हैं। कितनी अच्छी हवा आ रही है, बाल उड़ रहे हैं। पापा जी बस अभी साउथ की मूवी एंजॉय कर रहे हैं नीचे। पापा जी साउथ की मूवी तो वो बहुत एडिक्टेड हो चुके हैं कि साउथ की मूवी। आप लोग भी बता दें आप लोगों में से किसको साउथ की मूवी, साउथ की मूवीज भी और भगवान का भी। और आर्य आर्य कौन है? शुक्राचार्य बहुत अच्छा चक्कर बच्चे थोड़ा सा भी देख लेना मजा आ रहा है मुझे यहाँ पर मस्त बैठ ठीक है छत पे बैठने में और मजा आता है। छत पे बैठ पूरा गीला हो जाता है। मम्मी ने चले घर पे, ये वाले चिप्स आलू के मम्मी ने घर पे बनाए हैं। तो अभी अभी सेटअप नहीं है तो हमने क्या किया यहाँ पर वो जो सेटियाँ वगैरह लेके आए थे हम बंजारा मार्केट से वो सब लगा दिए। मैं अपनी ऑफिस चेयर में बैठ गया मस्त एंजॉय। और पापा जी का साउथ की मूवी देख रहे हैं। चलो गाइस हम एंजॉय करते हैं। मगर मानसून सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक आप अपने घर में हो या तो फिर आप कहीं अंदर हो। जब आपको कहीं जाना हो और या फिर कुछ काम से जाना हो तब बारिश पड़ जाए ना तब बारिश से बुरा कोई नहीं है। तो अंदर बैठे बैठे ही एंजॉय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। गुड़गांव में देखा आपने कितना बुरा हाल है, पानी लग गया बुरी जगह का कोई डूब गया। हाँ एक बंदर डूब गया उसमें पानी भर गया था ना पानी में डूब गया। अरे एक तो गाड़ी ही ऐसा डूब गई है। मम्मी गाड़ी मेन हॉल के अंदर पूरी गाड़ी अंदर इतना बड़ा मेन हॉल पता नहीं दिल्ली में। जैसे गाड़ी चल रही है रोड पे ठीक है चलते चलते ही वो रोड पे गड्ढा हो गया बहुत बड़ा गड्ढा हो गया नीचे से जमीन घिसक गई और गाड़ी पलट गई उसके अंदर। वो बच गए वो भी पुलिस वाले की गाड़ी थी वो तो क्रेन बुलाई क्रेन से उठवाया और उसको निकलाया। बहुत खतरनाक है बारिश में तो। A shocking video of a car being pulled out of a pothole in the capital has gone viral on social media. The pothole caved in and swallowed a parked car in the Dwarka area of Delhi after day-long rain on Monday. In a video shared by journalist Nikhil Chaudhary, the car is seen being pulled out by a crane. Delhi received heavy rain on Monday leading to waterlogging and traffic jams in several areas. This comes weeks after a scary video of a car sinking in a caved-in portion of a parking lot in a Mumbai residential society went viral on social media. तो बारिश का मजा लेने सब बाहर तक आ गए हैं और कितनी अच्छी बारिश हो रही है आप देखो। बहुत अच्छी बारिश। बारिश यहाँ से खड़े के बहुत अच्छी लगती है obviously। मैं भी आपको नीचे से दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। No, I don't believe in soulmates, but तेरी नजरों